हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रिपोर्टर्स डायरेक्ट एट द प्रिंट। एक ऐसा शो है जहां आप अपने पसंदीदा या जिसे पसंद नहीं भी करते हैं उन रिपोर्टर्स और उनकी स्टोरीज के बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहले सबका शुक्रिया कि आपने सब्सक्राइब किया द प्रिंट को, और इस वाले एपिसोड के लिए भी आपने अपने सवाल भेजे। तो सबसे पहले सबका शुक्रिया और उसके बाद वेलकम टू दिस एपिसोड। मेरा नाम ज्योति यादव है और मैं द प्रिंट के साथ लगभग तीन साल से काम कर रही हूँ। पिछले साल हम कोविड की दूसरी लहर के दौरान मिले थे और मेरे एपिसोड से ही इस पूरे शो की उस दिन शुरुआत हुई थी। और उसके बाद मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर रिपोर्टिंग की और मेरे कलीग्स ने भी बहुत सारे जो जरूरी मुद्दे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इश्यूज हैं नेशनल इंटरेस्ट में, वो सारे कवर किए और उनके पीछे की कहानियां आप सबको पता चली। तो आज का जो एपिसोड है उसमें मैं अपने राजस्थान के रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स के बारे में बात करूंगी, आपसे एनेक्डोट्स शेयर करूंगी और बिहाइंड द सीन कि कैसे मैंने ये सारी स्टोरीज की हैं, उन सब के बारे में मैं आपसे बताऊंगी। तो आपने अगर देखा होगा तो रिसेंटली हमने एक खबर पब्लिश की है, इंग्लिश और हिंदी बोथ दोनों लैंग्वेजेस में ये पब्लिश हुई है और ये दलित एट्रोसिटीज को डॉक्यूमेंट करती है। तो क्योंकि जिन लोगों ने नहीं भी ये खबर पढ़ी है उनके लिए भी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देती हूँ कि ये जो खबर है, ये जो रिपोर्ट है, वो नए तरीके क्या हैं। अगर आप रूरल इंडिया में जाते हैं, आप किसी भी स्टेट में जाते हैं, आप एक मजदूर को देखते हैं तो उसके हाथ में फोन होता है। तो 2020 तक, जब तक टिकटॉक बैन नहीं हुआ था, तो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत बड़ा एक यूजर बेस बन गया था और लोग फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। फोन का इस्तेमाल कई चीजों के लिए कर रहे हैं, अपना जो टैलेंट है उसको शोकेस करने के लिए, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर कई बार लोग एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपने आप को एम्पावर्ड करते हैं, आप अपनी जो प्रेजेंस है वो रजिस्टर कराते हैं। तो मैंने मेरी इस खबर में उसी चीज को एक्सप्लोर किया है कि कैसे जो दलित यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट जो है, और उनकी जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास मोबाइल फोन है, जो यूज करना जानते हैं, द न्यू जनरेशन ऑफ दलित्स, हाउ दे आर यूजिंग सोशल मीडिया एज अ टूल टू काउंटर एट्रोसिटीज अगेंस्ट देम। तो उसी खबर का पूरा हमने विस्तार से एक एक पहलू पर फोकस करते हुए हमने करीब 2500 शब्दों की ये रिपोर्ट पब्लिश की है। और उसके भीतर हमने मैंने जो है स्टेट के जो डीजीपी हैं उनसे भी मुलाकात की, जो एडीजी लॉ हैं रवि प्रकाश जी उनसे भी मुलाकात की, और इस तरह की घटनाओं के जो विक्टिम होते हैं उनसे भी मुलाकात की। और हमने जो वायरल वीडियो का जो एक नया फिनोमेना है उसको डिकोड करने की कोशिश की। तो एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आपको सबके पक्ष नजर आते हैं। वायरल वीडियो हम किसी को भी कह सकते हैं, 1 लाख व्यूज हो या फिर जो है एक मिलियन व्यूज हैं, हम उनको भी वायरल वीडियो कह सकते हैं, लेकिन कोई फिक्स्ड पैमाना नहीं है। लेकिन जो दलित एट्रोसिटीज है ना, उनमें जो वायरल वीडियो जो होती है उसका पैमाना है कि आप ट्विटर पे कितना ट्रेंड चला पाए, आपकी जो खबर है, आपका जो वीडियो है, उस पर स्टेट के किसी पुलिस विभाग से किसी ने उसका संज्ञान लिया, या फिर सीएम ऑफिस ने उसको नोटिस किया, और क्या रहा, तो उस हिसाब से उसको हम वायरल वीडियो कह सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी वायरल वीडियोज हमारे सामने आती हैं, मैंने उनकी पड़ताल की। तो इसके लिए मैंने जो है राजस्थान के कई सारे जिले, जैसे कि जो एकदम बॉर्डर पर है, जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है, फिर इधर जोधपुर है, फिर एक पाली डिस्ट्रिक्ट है, पाली सेमी रूरल डिस्ट्रिक्ट है, सेमी अर्बन भी कह सकते हैं, पाली में मैं गई। उसके अलावा मैंने जयपुर और अजमेर में भी ट्रेवल किया। तो कई सारे जिलों से मैंने केसेस निकाले, वहां के इंटेलेक्चुअल्स, वहां के लॉयर्स से मिली, सो दैट मुझे समझ में आए कि वायरल वीडियो जब हो जाती है उसके बाद क्या होता है। तो अशोक मेघवाल नाम के एक युवा की कहानी मैंने फॉलो की कि कैसे वो जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, मतलब अपने परिवार में, उसकी पीढ़ियों में किसी ने पढ़ाई नहीं की थी, उसने कानून की अभी वो पढ़ाई कर रहा है, उसने एमए किया और उसने कई सारी डिग्रियां हासिल की, और थोड़ा सा उसको समझ में आया, उसने, क्योंकि खबर आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने कोट किया है उसे, उसने कहा था कि मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत टाइम पास करता था,
मुझे ट्विटर की जो उपयोगिता है कि उसका यूज जो है वो उस दिन पता चला जब मेरे घर पर जो है सो कॉल्ड जो अपर कास्ट है, जो कास्ट हायरार्की में ऊपर समझे जाते हैं, उन्होंने धावा बोला तो उनकी जो बहन है 8 मंथ प्रेग्नेंट थी वो और उनकी जो मदर है उन पे हमला किया गया। उस हमले का अगर हम कन्वेंशनल पुलिस केसेस की बात करें जो रेगुलर होते हैं तो क्या होता है, जब पुलिस के पास जाएगा जैसे तैसे FIR होगी, मामला कोर्ट तक जाएगा, पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी और जो विटनेस होते हैं वो आसपास के लोग होते हैं। तो जिस सेटअप की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान जैसा राज्य जहाँ फ्यूडल सेटअप है, जहाँ राजा महाराजा और ये सारा एकदम जो समाज का जो बटाधार है वो बहुत क्लियरली है और लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया हुआ है कि OBCs हैं, ये दलित हैं, ये राजपूत हैं, ये अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं, वो सारा जो समाज का खांचा है वो बहुत ही साफ तौर पर बटा हुआ है। ऐसे में अशोक जो है, अशोक के घर पर हमला होता है, उसकी मम्मी और उसकी बहन को पीटा जाता है, उसने अपने चाइनीज फोन से वो 3 मिनट जो है उस पूरी एट्रोसिटी के रिकॉर्ड कर लिए। तो अर्लियर अगर उसका केस होता सोशल मीडिया के दौर से पहले तो विटनेस जो है वो कुछ लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं कोर्ट में, पुलिस भी केस को परस्यू नहीं कर पाती, एडमिनिस्ट्रेशन मदद नहीं कर पाता क्योंकि आपके पास एविडेंस के तौर पर वो आई विटनेस है। ऐसे में ये जो वीडियोस हैं ये एक बड़ा टूल है, आपका सब्सटेंशियल एविडेंस बन जाता है पुलिस के सामने। ये सवाल आया भी है, मैं बाद में जब उनका नाम लूंगी तो आप उनका जो है जवाब भी मैं दूंगी, लेकिन वो सब्सटेंशियल एविडेंस हो जाता है जो वीडियो जो वायरल हो जाता है। तो ऐसे में आप अपना केस रजिस्टर करा पाते हैं। दूसरा कि आपकी जो खबर है, अगर मान लो बाड़मेर के किसी सुदूर इलाके का कोई गाँव है, बहुत ही बॉर्डर पर है, पहले किसी को उसके SHO को ये खबर नहीं मिलेगी, SP को तो SP जो होता है जो डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप कॉप होता है SP उसे भी नहीं पता होगी, लेकिन अब आप DGP तक को, आप SC ST कमीशन के जो हेड है नेशनल जो लेवल पर है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टेट वालों से कर सकते हैं। तो एक तरीके की बहुत ही अवेयरनेस फैली है और उनको खबर पहुंचती है, वो सीधे संज्ञान लेते हैं, वो SP को फोन दंडाते हैं कि आप उस खबर पे आपने FIR क्यों नहीं की, पुलिस खुद से अपनी FIR करती है। और कई बार ऐसा भी हुआ है क्योंकि जब कास्ट एट्रोसिटीज हैं, हम जो अर्बन सेटअप में जो लोग रहते हैं उन्हें लगता है कि क्योंकि हम बहुत ही पढ़े लिखे समाज में रहते हैं, हमें हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन जो रूरल सोसाइटी है उसमें कास्ट एट्रोसिटी के जो मामले होते हैं वो रजिस्टर कराना भी बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे बायसेस होते हैं पुलिस के होते हैं, जैसा विक्टिम्स की तरफ से पता चला और आसपास के जो एक्टिविस्ट होते हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं एक जिले में वो बहुत ही बायस्ड हो सकते हैं क्योंकि वो वहीं पले बड़े हैं, उन्होंने वही समाज देखा है जो जातियों में बटा हुआ है। तो ऐसे में वो वायरल वीडियो से आप FIR दर्ज कराते हैं और फिर आप स्टेट के जो टॉप कॉप्स हैं CM ऑफिस है वहां तक पहुंचाते हैं। तो मेरी खबर में मैंने यही बताया कि कैसे अशोक मेघवाल ने 3 मिनट का वीडियो जो उसने अपने चाइनीज रेडमी नोट से शूट किया था वो जो है 45 किलोमीटर दूर चलकर वो पुलिस के पास आए, पुलिस ने वो मामला प्रेशर में आके प्रेशराइज्ड होकर बहुत सारा आंदोलन हुआ उसके लिए, ट्विटर पर लोगों ने आवाज उठाई और वो दर्ज हुआ। अभी उस केस का काफी सारा फॉलो अप है, लेकिन अशोक मेघवाल के घर में जो हुआ वो कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। अगर आप NCRB का जो डेटा है वो देखते हैं तो 7,000 के आसपास 2020 में मामले हुए थे, यानी हमारे देश में एक पेंडेमिक था और एक जो है दलित एक्टिविस्ट हैं और ट्विटर पर बहुत पावरफुल वॉइस हैं, अभी रिसेंटली इमर्ज हुई हैं, वो हैं जो दलितों की वॉइस है हंसराज मीना है, वो बहुत सारे ऐसे मामले ट्विटर के इकोसिस्टम में लेकर आते हैं। ट्विटर पर हम देखते हैं कि एक तरफ सरकार अपने जो गवर्नेंस की बातें हैं वो सबके सामने रखती है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना जो भी एजेंडा है जो भी वो अपना एक्टिविज्म करते हैं, फिर सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं। ऐसे में हंसराज मीना ने 2019 के बाद से इन मामलों को हमारे सरफेस पे हमारे होराइजन पर लाना शुरू कर दिया जो पहले इग्नोर थे। तो अशोक मेघवाल के केस के बाद रोल शुरू हुआ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स का, जो एक बड़ा अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इस तरह के मामलों में जस्टिस दिलाने की जो लड़ाई है उसमें। तो हंसराज मीना ने कहा कि एक भंवर मेघवंशी है, वो भिलवाड़ा में बेस्ड है, तो उन्होंने एक लाइन कही, उन्होंने कहा कि जब देश में पहले एक पेंडेमिक था तो विद इन द पेंडेमिक
राजस्थान जैसे स्टेट में एक और पेंडेमिक था, वो था जाति का, जातिवाद जो है, जो कास्ट एट्रोसिटी है। तो 7,000 मामले हुए तो छोटी बात नहीं है। पिछले सालों का आंकड़ा आप देखेंगे तो बढ़ोतरी है, 4,000 से 6,000 हुआ, 6,000 से 7,000 हुआ, और जो 2021 का जो डेटा है, जो हमने स्टेट की पुलिस से मैंने हासिल किया है, उसके हिसाब से कुछ 7,700 मामले 2021 में भी आए हैं। वो भी तब जब दूसरी लहर थी, लोग जिस तरह से मर रहे थे, जिस तरह से ऑक्सीजन की मारामारी थी, उस दौरान भी वहां पर कास्ट एट्रोसिटी के मामले बढ़े। तो ऐसे में ये जो पेंडेमिक है, जो कास्ट एट्रोसिटी का पेंडेमिक, जिसको दलित एक्टिविस्ट या जो सोशल मीडिया के बड़े एक्टिविस्ट हम कह रहे हैं, तो उसे खत्म करने की ओर सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, तो इस खबर को पढ़कर आपको पता चलेगा कि जो राजस्थान की पुलिस है और जो सरकार है, उन्होंने जो है सर्कुलर्स जारी किए हैं पुलिस विभागों को, जो जिले में है उनको भेजा है। कि आपने पढ़ा होगा, आप आउटरीच भी करते होंगे, कि आज भी, मतलब आजादी के, ये मेरा कोट नहीं है, वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था कि आजादी के 70 साल के बाद भी अगर आज भी एक घटना आती है कि दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर पीटा, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, और एज अ लॉ मेकर एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये हमारे लिए वरी की बात है, वरिड होने वाली बात है। तो ऐसे में स्टेट का क्या रोल है? स्टेट ने सर्कुलर जारी किया कि हॉटस्पॉट्स देखिए। तो हाल ही में ये दूसरी खबर है जो पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन मैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ कि दलित वेडिंग्स पे हमारी जो खबर है, ये फ्राइडे या सैटरडे को वीकेंड पे लगेगी, और आप उसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने 5-6 जिलों में ट्रेवल किया और एक हेलीकॉप्टर वेडिंग को डॉक्यूमेंट किया है कि एक दलित परिवार को, एक मॉडेस्ट दलित परिवार को 6 या 7 लाख रुपए खर्च करके घोड़ी की बजाय हेलीकॉप्टर से दुल्हन को क्यों लाना पड़ा। एक मॉडेस्ट परिवार है जिसे कोई जरूरत नहीं है इस तरह की खर्चे को उठाने की, लेकिन वो करता है क्योंकि लाइफ टाइम उनके पूर्वजों ने यही देखा है कि आप घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो एक जो प्रोफेसर है दिल्ली में और वो दलितों पर काम करते हैं, उनके उत्थान पर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, उन्होंने अपने लिए डिग्निटी खरीदी। वो हवा और हेलीकॉप्टर में जो आसमान उन्होंने लिखा, वो एक दलित असर्शन की कहानी है, और यही हमारी इन दोनों कहानियों का सार है कि कैसे राजस्थान में दलित अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को। तो दे आर नो लॉन्गर विक्टिम्स, दे आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम भी बहुत इलीट और अर्बन सेटअप के लोग डोमिनेट करते हैं उस स्पेस को, लेकिन धीरे धीरे दलित जो है अपनी आइडेंटिटी को, अपने सरनेम्स को छुपा नहीं रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं, और ये उसी की कहानी है दलित एट्रोसिटी की जो हमारी पब्लिश हुई है, और जो दलित वेडिंग्स की जो कहानी हमारी आएगी, रिपोर्ट जो आएगी, वो भी उसी की कहानी है। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जिस प्रोफेसर की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा था कि जो दलित असर्शन है उसके चलते, क्योंकि राजस्थान में कभी फ्यूडल सेटअप रहा है, राजा महाराजाओं का जमाना रहा है, लेकिन अभी भी जो है कुछ लोग उस मानसिकता से गाइडेड हैं, और वो जो डेमोक्रेसी का सेटअप है वो नहीं समझते हैं। अभी भी पार्लियामेंट में वो बात आ गई है, लेकिन अभी उसे आखिरी व्यक्ति तक जाने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में इस तरह के जो केसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ेगा, ऐसा लोग प्रिडिक्ट करते हैं। जो हमारी पुलिस वाले हैं या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस तरह क्या अंदाजा लगाते हैं कि जैसे जैसे लोग अदर कास्ट जो हैं या जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, वो अपने आप को असर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट का और उनका कॉन्फ्लिक्ट है, वो सोशल मीडिया पर आने वाले समय में हमें ज्यादा दिखाई देगा। और राजस्थान में क्योंकि कभी आंदोलन नहीं हुए जाति पर आधारित, या फिर जो दलित हैं या जो ओबीसी हैं वो लामबंद नहीं हुए अपने हकों को लेकर, तो ऐसे में ये जो स्टोरीज जो हमने की है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो एक डॉक्यूमेंटेशन है उनके असर्शन का, उनकी अपनी आइडेंटिटी के को बिल्कुल कहते हैं ना कि धाकड़ तरीके से उसे पेश करने का। तो ऐसा पंजाब में हुआ है क्योंकि वहां जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनकी पॉपुलेशन एक बड़ा उनका एक तबका है, और वहां पर वो गानों के माध्यम से फोक कल्चर में उनका असर्शन दिखाई देता है। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दैट, जो राजस्थान है, इतना बड़ा स्टेट है हमारा, वहां पर इस तरह फोक कल्चर में, या फिर आप टाउन क्रॉस करते हैं तो जो बिलबोर्ड्स होते हैं, दुकानों के नाम होते हैं, इट इज स्टिल डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट। सो द लोअर कास्ट, जो हम आई वुड नॉट यूज द वर्ड लोअर कास्ट, बट हमने इस तरह के शब्द गढ़ लिए हैं, दे आर शेड्यूल्ड कास्ट।
तो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने जो अपनी फिजिकल एब्सेंस है, जो क्योंकि वो फोक कल्चर से गायब है, वो हमारी मार्केट्स जो छोटे टाउन है उनसे गायब है, बिलबोर्ड्स पे नाम नहीं दिखाई देते, अगर रेस्टोरेंट है तो उसका मालिक कोई अपर कास्ट है या फिर जो उनमें कर्मचारी हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, तो ऐसे में जो है वो अपनी फिजिकल एब्सेंस को डिजिटल प्रेजेंस में बदल रहे हैं। और उसके लिए मैंने आपको नाम गिनाए हैं, हंसराज मीना है, भंवर मेघवंशी है, कई पत्रकार हैं जो सुमित चौहान है, और इनकी पहुंच जो है देश के कोनों कोनों में हो चुकी है। उसके अलावा जो नई पीढ़ी है उसका जिक्र मैंने अपनी अगली जो रिपोर्ट है जो पब्लिश होने वाली है वीकेंड पे उसमें किया है कि कैसे आईफोन रखने पर, कितनी मामूली सी बात है लेकिन आईफोन रखने पर भी एक गांव में, एक छोटे गांव में वो एक किसी दलित लड़के के लिए परेशानी का सबब बन जाता है, टोंटबाजी होती है कि अरे अब ये आईफोन भी रखेंगे, तो लाइफस्टाइल कैसे स्टेटस को चैलेंज करती है, किस तरह से वो हमारे जो नोशंस हैं उनको चैलेंज करती है। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स है मैंने दोनों अपनी स्टोरीज में लाने की कोशिश की है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस पूरे दलित असर्शन से जुड़ा इन राजस्थान, आप मुझसे जरूर पूछिए। और मैं हमारे सब्सक्राइबर्स का नाम भी लेना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सवाल भेजे हैं, और उनके सवालों का मैं जवाब भी देना चाहूंगी। अभिषेक अग्रवाल हैं और वो NRI हैं, इंडिया में भी रहे हैं और अब बाहर रह रहे हैं, उन्होंने सवाल भेजा है कि उन्होंने जो है ये जो कास्ट प्रेजुडाइज है उन्होंने पर्सनली उसे झेला है, और उन्होंने कहा है कि जो है लोगों को ये फाइनेंशियली बहुत अफेक्ट करता है जो कास्ट प्रेजुडाइज है। एट्रोसिटीज के अलावा भी जो छोटा सा उन्होंने पहलू बताया बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा है कि स्कीम्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, एडमिशंस में, बिजनेस के सपोर्ट में वो बहुत ही रिफ्लेक्ट होता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया में जो प्रिवलेंट है इस तरह का कास्ट प्रेजुडाइज, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। प्लीज प्रोवाइड सम स्टैटिस्टिक्स ऑन दिस एस्पेक्ट। अभिषेक जी थैंक यू सो मच, आपने इतना इंटरेस्ट लिया और आपने अपना खुद का अनुभव शेयर किया, तो क्योंकि आपने जो स्टैटिस्टिक्स मांगे हैं उस तरह के डेटा को सरकारें जो है वो कलेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो एजेंसीज होती हैं, NGOs होते हैं वो करते हैं, जैसे लाइफस्टाइल को डॉक्यूमेंट करना, वो सरकार के लिए हो सकता है महत्वपूर्ण ना हो लेकिन हो सकता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप कोई रिसर्च पेपर या फिर जो लॉन्ग रिपोर्टाज होते हैं उनको पढ़कर आप जो है ये जो मसला है पूरा जो कास्ट प्रेजुडाइज का है उसे आप बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। कुछ होना भी चाहिए स्टैटिस्टिक्स टाइप का, लेकिन सो फार मैं आई हैवंट कम अक्रॉस येट। उसके अलावा जो है सतीश एनजी हैं, ही इज अ प्रोफेसर, उन्होंने भेजा है कि मेक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज। बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से वो कहानियां बोरिंग हो जाती हैं, आप कितना पढ़ेंगे कि NCERB का ये डेटा है, स्टेट का ये डेटा है, तो ऐसे में हमें पात्र खोजने पड़ते हैं जो आपसे, मेरे से या किसी भी रीडर से रिलेट कर पाए। तो ऐसे में अशोक मेघवाल जिनके माँ बाप को गांव छोड़ना पड़ा, जो कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि अपनी लड़ाई लड़ सकें, अशोक मेघवाल का जो किरदार है वो बहुत ही ह्यूमन है और वो बहुत सारे लोगों की जर्नी को ट्रेस, मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इस तरह के किरदार अपने दोनों रिपोर्ट्स में ढूंढे हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट की एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है, और थैंक यू, आपका सजेशन बहुत ही जरूरी है और हम इसे फॉलो भी करते हैं। उसके अलावा जो है प्रशांत जी ने भेजा है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू प्रशांत जी, आपने कहा है कि मैंने राजस्थान में ट्रेवल किया है तो हाइजीन और क्लेनलीनेस जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर क्यों नहीं मेंटेन किया जाता है, और आप कह रहे हैं कि टूरिज्म फ्रेंडली नहीं है जगहें और डर्टी कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से बाकी मसले जो हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि कास्ट पॉलिटिक्स अलग मसला है लेकिन कास्ट एट्रोसिटी अलग मसला है। हो सकता है कि राजनीति में जाति बहुत बड़ा फैक्टर हो, अपनी अपनी जाति के नेता होते हैं, लेकिन वो एक तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। अगर किसी कोई जातियां हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड हैं और उनकी जातियों से नेता निकले हैं और उनके वोट लेना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ रिपोर्टर ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम
representing your caste and community. That's completely fine. But at the same time, you are right about hygiene. जो करना चाहिए तो राजस्थान का जो आपने मसला बताया है, मैं क्योंकि टूरिज्म के पर्पज से वहां नहीं गई थी तो मैं इस तरह की जगहों पर नहीं घूम पाई, लेकिन अगर मैं कभी गई तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू फाइल अ स्टोरी ऑन दैट. थैंक यू. देन वी हैव पिंकू जी, उन्होंने लिखा है कि डियर ज्योति, फॉर समवन हु हैज वर्क्ड इन बोथ मेनस्ट्रीम एंड सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स, व्हाट इज द मेन डिफरेंस यू फील दैट डिफरेंशिएट्स द टू वर्ल्ड्स, ऑल्सो व्हाट मेड यू टू मेक अ कमबैक टू सोशल मीडिया. पिंकू जी थैंक यू, बट आई हैव नेवर वर्क्ड इन सोशल मीडिया न्यूज चैनल. आई स्टार्टेड विद लल्लन टॉप, इंडिया टुडे ग्रुप का एक हिस्सा है वो, तो मैंने वहां से शुरुआत की थी लल्लन टॉप से, लेकिन वो भी एक मीडिया हाउस रहा है, कुछ सोशल मीडिया बेस्ड कोई मीडिया चैनल नहीं रहा है. वेबसाइट होती है, आपके यूट्यूब चैनल होते हैं, आपके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स होते हैं, आप रीच आउट करते हो, लेकिन एक टिपिकल आप, मुझे लगता है आप कहना चाह रहे होंगे कि डिजिटल मीडिया, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और एक जो टिपिकल टीवी न्यूज का माहौल होता है उसमें क्या फर्क होता है. तो बहुत ज्यादा फर्क होता है डिजिटल मीडिया में. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँ तो डिजिटल मीडिया में एक स्पीड है, बहुत ही फास्ट चीजें काम करती हैं. आप एक कहानी पर 10 दिन नहीं बैठ सकते हैं, आपसे पहले कोई और कर लेगा. तो बहुत ही एक प्रेशर रहता है कि आपको स्टोरी टाइम पर डिलीवर करनी है, एंड पहले डिलीवर करनी है और सब्सटेंस वाली स्टोरी डिलीवर करनी है. तो ये है, टीवी में क्या है कि पैकेज बनते हैं, वहां पर स्लॉट मिलता है, आपको अपना टाइम है आपके पास कि आपको 2 मिनट दिए जाएंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अ टीवी पर्सन, आई एम नॉट अ टीवी रिपोर्टर, और वहां पे मुझे स्पेस की कमी नजर आती है. एट द सेम टाइम डिजिटल मीडिया इज मोर डेमोक्रेटिक, इट इज मोर इंक्लूसिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट एंड रीजन, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सेटअप रहे हैं मीडिया के वो बहुत ही पर्टिकुलर रीजन से डोमिनेटेड रहे हैं. लेकिन अब क्या है कि हम नॉर्थ ईस्ट में भी अपना कोई रिपोर्टर रख सकते हैं, क्योंकि अब इस तरह से टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है कि आप साउथ इंडिया के रिपोर्टर से ही वो करा सकते हैं. तो इंक्लूसिवनेस जो है डिजिटल मीडिया की, वो मुझे ज्यादा बेहतर लगी फॉर अ गर्ल लाइक मी हु वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ विलेज इन हरियाणा. एंड इफ आई कुड मेक इट टू द नेशनल न्यूज चैनल, आई गेस फ्यूचर में जो है ये इस तरह के जो बने बनाए ढांचे हैं वो टूटेंगे, और डिजिटल मीडिया एक बहुत ही एम्पावरिंग टूल भी होगा फॉर कम्युनिटीज. उनकी खबरें भी दिखाएगा और उनके घरों से आने वाले बच्चों को जगह भी देगा, उन्हें जर्नलिस्ट भी बनाएगा. क्योंकि सिर्फ खबर इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उसको लिखने वाला कौन है. ये मैंने किसी विदेशी अखबार में पढ़ा था, तो वहां लिखा था कि अब बाइलाइन किसकी है ये भी बहुत जरूरी हो जाता है. तो ऐसे में मुझे ये बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है, ये हमारी डेमोक्रेसी को ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी मीडिया पर भी कहीं ना कहीं होती है. उसके अलावा फिर गोपाल कृष्णन का है, SBI से रिटायर्ड हैं वो. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. आपने बताया है कि दलित को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उसमें डेफिनेटली थोड़ा शिफ्ट आया है, और आपने लिखा है कि कास्ट बेस्ड जो डिवीजन है वो इनकम बेस्ड डिवीजन पे हो रहा है, क्योंकि यूजेस ऑफ हेलीकॉप्टर्स इन दलित वेडिंग्स. यू मे बी राइट, बट आई वुड डिसएग्री विद यू, क्योंकि जितना मैंने दलित मुद्दों को कवर किया है, और सिंस आई लिव इन न्यू दिल्ली एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस अर्बन सेटिंग, आई कैन से दैट अभी कास्ट बेस्ड डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है. आई गेस आपको, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आपने रुक्मणी की, जो एक जर्नलिस्ट हैं, डेटाबेस बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब आई है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो न्यू इंडिया के लोग हैं, यानी जो नई जनरेशन के लोग हैं, दे आर मोर डिवाइडेड इनटू कास्ट. वो लिबरल नहीं है, तो बहुत बिलीव करते हैं अपनी अपनी कास्ट में, कास्ट सिस्टम के स्टॉन्च वो फॉलोअर्स हैं. तो ये बात कहना, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई डेटा नहीं है, उन्होंने अपनी बात को डेटा से सपोर्ट किया है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये कहने के लिए कि इनकम बेस्ड डिवीजन है, ये इनकम बेस्ड डिवीजन भी है, लेकिन कास्ट बेस्ड डिवीजन को उसने खत्म नहीं किया है. और जो दलित की जो हेलीकॉप्टर वेडिंग की बात कर रहे हैं, जो मैंने उसको कवर किया, तो उन्होंने ये इनकम बेस्ड
डिविजन को खत्म करने के लिए नहीं, कास्ट एट्रोसिटी को खत्म करने के लिए, क्योंकि उनके परिवार में जो अपने बच्चे का एडमिशन एक हॉस्टल में कराने आए थे बाड़मेर में, तो उनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था कि आप तो दलित हैं, यहाँ सारे बच्चे अपर कास्ट के पढ़ते, मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा। तो उस दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चे का फ्यूचर बदल देंगे, और उनकी शादी भी घोड़े पर नहीं हुई, उनके आसपास किसी की भी शादी घोड़े पर नहीं हुई। तो वहां से उन्हें ये ख्याल आया कि चाहे कितना भी उनका खर्च आ जाए, वो ये असर्ट करके रहेंगे कि एक दलित ना सिर्फ घोड़े पर बल्कि हेलीकॉप्टर पर भी बैठ सकता है। तो वो एक अलग सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई थी कहीं ना कहीं वो इनकम डिविजन, क्योंकि वो फैमिली बहुत मॉडेस्ट फैमिली है, स्कूल चलाते हैं वो, तो उसमें से 6 या 7 लाख रुपए उस हेलीकॉप्टर पे खर्च करना उनके लिए बड़ा मसला है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला है वो मैसेज देना। तो ये है, अगर किसी के सवाल हैं तो मैं देख लेती हूँ, प्लीज आप पूछ लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं और बता सकती हूँ इन सभी मुद्दों पर और बोल सकती हूँ तो। आई गेस सो फार मैंने कवर कर लिया है, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए हमें, हमें पढ़ने के लिए, और हमारे कॉज में जो है कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी रिपोर्ट्स जो हैं जो पब्लिश होने वाली हैं उनको आप theprint.in पर आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।